on hold now and no public gatherings. They have no one to really entertain. And some have now resorted to playing in front of shops and some to begging. समय भी क्या कुछ नहीं बदल देता। आज भी मुझे याद है जब माँ जबरदस्ती मुझे गुरुजी के पास लेकर गई थी। तब से अब तक 10 साल हो गए हैं। पता ही नहीं चला कि कब डांस ने मुझे मेरे तरीके से जीना सिखाया। पर अब ऐसा लगता है कि वो पास तो है पर शायद दूर भी। जिस चीज ने मुझे हिम्मत से जीना सिखाया था आज उसी को करने की हिम्मत नहीं होती। अलग सी बेचैनी होती है। अगर देखो तो इस फ्लैट को मैंने अपना घर बनाया पर आज इसी घर की दीवारें ऐसा लगता है कि मुझे खा जाएंगी। भागने की कोशिश भी करूं तो लगता है कहां ही जाऊंगी। रुक जाती हूं, बस थोड़ा और सब्र। दिन तो ऐसे ही बीतते जाएंगे, समय किसी के लिए नहीं रुकता। पर कुछ लोग होते हैं जो शायद समय के साथ खुद ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। शायद वही है जो आपको, मुझे, हम सबको बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले बहुत कुछ सिखा जाते हैं। कथक मेरे लिए एक कला से बहुत ज्यादा है, शायद जिंदगी जीने का तरीका। जो मैं भूल गई थी, कुछ खोने का डर था या आगे ना बढ़ पाने का दुख, पता नहीं। उस दिन जब मैं आगे बढ़ी तो लगा मन में कुछ वापस जिंदा हुआ। माँ बोलती है कि कमजोर हो गई हो, अब भला कितना भी बना लूँ YouTube से देखकर, घर के खाने वाली बात तो नहीं है। खैर छोड़ो, अब तो ऐसे ही चलना है, कब तक पता नहीं। पर अब खुश हूं, खुश हूं कि शायद जिंदगी का खालीपन कम हो रहा है। दरारें भरती नजर आ रही हैं। सही बोलते हैं बड़े लोग कि अगर कला सब दे सकती है तो सब कुछ ले भी सकती है। बस यही चाहूंगी कि 10 साल बाद मैं भी किसी को हिम्मत दे सकूं कि वो अपनी कला ना छोड़े, अपनी उम्मीद कभी ना छोड़े। चुनौतियाँ नहीं होंगी, हालात बदलेंगे, जीवन जीने के ख्यालात बदलेंगे। कला वही होगी, जज्बात बदलेंगे, लोगों तक पहुँचने के अंदाज बदलेंगे।